अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव में वीरभान विजयी होने के बाद आज अपना कार्यभार संभाला। इस पर उन्होंने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मचारियों की मुश्किल का हल जल्द कर दिया जाएगा। देखो 29 तारीख नूं सफाई कर्मचारी यूनियन दी वोटां पईयां सी ते उस चोण दे विच बठिंडा शहर के भैन भरावां ने, मेरी माता ने, मेरी भैणां ने, मेरे नौजवान बुजुर्ग साथियों ने ते साडे पैग भगवान संत महंता ने मैनूं 29 तरीक नूं जिता के इस सीट ते बिठाया ते 426 वोटां मैनूं जिन्ना मेरे समाज का प्रेम प्यार मिलिया काश किसी होर नूं मिलिया होवे। ते मैं भी यही कहना अज सीट ते बैठे हाँ भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस मना के अज सीट ते आया ते इस कुर्सी नूं भी मैं चरण वंदना करदा भी इस कुर्सी ते बैठ के मैं लोगों के भला करा मुलाजमान के भला करा जिहड़ी मुलाजमान दी पेंशन ने उन्हां नूं लागू करावां जिहड़े कच्चे कर्मचारी ने उन्हां नूं पक्के करावां ते जिहड़ी डीए दी पे स्केल दी इन्हां दी मंग ने ओह पूरे बठिंडे शहर दी नहीं पूरे पंजाब दी है भई उन्हां नूं सरकार नाल मंग पत्र दे के लड़ाइया करके एजुटेशन संघर्ष करके तो मैं उन्होंने पूरिया कराव जे सा टिपर से काम कर रहे हैं घरों घर कूड़ा चक रहे हैं तो प्राइवेट अदारा है तो मैं सरकार ये मंग करदा भाई भाव चाहे टिपर से काम कर रहा हो या कोई गंदे नालिया काम कर रहा हो या कोई आउटसोरेंस या ठेकेदार के उत्ते काम कर रहा होई इन्हों निजीकरण हटा के सरकारीकरण बनाया जाए तो जी साड़िया बठिंडा शहर से जिन्नी भी वीटा खालिया पहर इन्ना बद गया 15-15 किलोमीटर दायरे से बई इन्हों जी प्लैनिंग बना के बठिंडा शहर की बई कि भी हाँ जी वीटा खालिया पड़ी वीकेंड पोस्टा पगा के सेवादार तो लगा के कलारक तो सफाई कर्मचारियों दारिया भरावगा तो कि सैर बठा बठिंडा शहर जोड़ा साडा है तो साफ सुथरा रहे स्वस्थ भारत असी सफाई कर्मचारी घट गिणती के भी होकर बठिंडा शहर में बड़ा सुंदर बना रहे हैं। तो मैं सरकार तो ये मंग करदा बई बठिंडा शहर की जी हदूद है ये काफ़ी बद गई है बई जे 328 कर्मचारी किसी कारण वो भर्ती नहीं हो पाई बई उन्होंने भी भर्ती किया जाए तो बठिंडा शहर की जी प्लैनिंग है वो छेती तो छेती तैयार करके जी वीटा ने बई उन्होंने मुलाजम तैनात किए जा भर्ती की जाए। तो मैं अब बड़ा वाल्मीकि समाज का मेरे नगर निगम के कर्मचारी भैन भरावान का तो सारे बठिंडा शहर निवासियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करदा बई जिन्होंने मैनू इन्ना मान सत्कार बख्श के इस सीट पर बिठाया है। तो कल मेरी FM साहब नाल भी गल हुई खजाना मंत्री उन्होंने नोटिस से मैं सारी गल्लां जिहड़ी दसियां वह उन्होंने नोटिस से कीतियां तो ब्रह्म महिंद्रा जी जिहड़े लोकल बाडी साडे मंत्री ने उन्होंने जिहड़ा बठिंडा दौरा होया सी ते उन्होंने भी मैं अपना मंग पत्र है जिहड़ा वो दे हटियां तो उन्होंने भी जिहड़ी मंग पत्र सरकार दियां वो सरकार मन्नेगी जिहड़ी लोकल ने वो लोकल कारपोरेशन साडे कमिश्नर साहब आए सी वो मन्नणगे। हुण लोकल मंगां जिहड़ियां साडियां हैगियां छोटी छोटियां मंगां ने हुण जिवें दैत केस दी नौकरियां हो हूँ साडे कर्मचारी गुजर गए जवान बच्चे गुजर गए उन्होंने भी जी लेडीज़ हैं जिहड़ियां साडियां धीआं ने साडियां भैणां ने उन्होंने बच्चे बेचारे बिलकते फिरते हैं तो घट्टो घट्ट 20 नौकरियां ने। मैं नगर निगम प्रशासन नूं ते पंजाब सरकार नूं यह बेनती करदा बई बिना शर्त उन्होंने बेचारी बेटिया उन्होंने मुंडिया नौकरी दी जाए जिन्हों के माँ प्यो एक्सपायर हो गए हैं तो तरस के आधार की नौकरियां ने तो गौरमेंट नूं यह चाहिदा भी इन्हें डिले नहीं करना चाहिए। मैं 4 साल तो देख रहा 3.5 साल दिया नौकरियां दैत केस दियाँ हजे तक पईयां ते मैं कारपोरेशन के कर्मचारियों कमिश्नर साहब नूं ते जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नूं मंग करदा बई जल्द तो जल्द इन्हां दी जिहड़ी नौकरियां दैत केस दियाँ वो दित्तियां जाण। ते जिहड़ी दिवाली आ रही है बई दिवाली तो पहलां सानूं डीए दी किस्तां ते सानूं जिहड़ा साडा फेस्टिवल लोन मिलदा है वो दिवाली तो पहलां तुरंत दित्ता जाए बई जिन्नियां भी कर्मचारियों दी समस्या ने मंगां ने वो दिवाली तो पहलां हल कीतियां जाण। हुण देख रहे हैं मैं चंडीगढ़ च धरने लग रहे हैं मुजाहरे हो रहे हैं हुण जिहड़ी पंजाब सरकार ने खजाना मंत्री जी ने 3% किस्त दित्ती है वो तो साडे मुलाजमान नाल एक मजाक कीती है जदों सेंटर गौरमेंट 5% दे रही है 5 तो बढ़ा के 17% करता उन्होंने तो सानूं भी बढ़ा के दित्ती जाए बई जद ये जुलाई हुण दिवाली टपाती उन्होंने हुण 1 नवंबर दे कहिंदे आ भी जिहड़ी अक्तूबर की तनखा मिलेगी वो नवंबर च मिलेगी बई नवंबर च इन्हां नूं ला के दो वो तो दिवाली भी टप गई वो दिवाली का तोहफा नहीं होया वो तोहफा लोहड़ी का होया माघी का
ਮਾਘੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 1991 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 97 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਨਸ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਪੈਲਸਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਪੈਲਸਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਪੈਲਸਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਪੈਲਸਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਪੈਲਸਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਲਸਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਲਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲਸਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 138 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ 46 12 ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ 138 ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਈ 328 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 328 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ 381 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ 381 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 243 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਅਤੇ 138 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ 46 ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ 138 ਸੀ ਅਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 381 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਟਨੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ 381 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 243 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇਂ।